नहीं हो सकता। मैं कभी किसी परवासी के सामने नहीं झुक सकता और मैं पुरु के सामने आत्मसमर्पण कभी नहीं करूंगा। अब इसके लिए चाहे आप हमें मृत्यु दंड दे दें, जो सौदा मैं तुमसे कर रहा हूं अंबिराज, वो तुम समझे ही नहीं। तुम्हारा सिर झुकेगा नहीं, बोरस का सिर कटेगा। हम दोनों मिलकर इंतकाम लेंगे पौरव मुल्क से, और इस बात का ख्याल मैं रखूंगा कि बोरस तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। आपकी योजना क्या है? मैंने पूरा प्रयास कर लिया है, अब चेतना आने पर ही कुछ कहना संभव है। हम यहां अनुसुईया के साथ है पुरु, तुम्हें ओलंपिया और अलेक्जेंडर के विषय में सोचना है। अलेक्जेंडर कोई ना कोई योजना अवश्य रच रहा होगा। पुरु श्रेष्ठ, इस अभियान में मैं और शेष दस्यु पुरु के साथ जाएंगे। हम दोनों के परिवारों को पीड़ा और कष्ट दिए हैं उस अलेक्जेंडर ने। हमें प्रसन्नता है कि हमारे मतभेद तो दूर हुए, अब हम एकजुट होकर अलेक्जेंडर को उसके किए का दंड देंगे। और जो पीड़ा उसने हमें दी है, अब वही पीड़ा वो भुगतेगा। मैं भी पुरु के साथ चलूंगा। नहीं भाई, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। नहीं पुरु, मुझे प्रतिकार की आवश्यकता है। मेरे पिता ने महारानी अनुसुईया की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए, आज नियति ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं इनके लिए लड़ूं। आज तक तुम कभी भाई बनकर कभी राजा बनकर मुझे रोकते आए हो पुरो, परंतु ना मैं आज अपने भाई की सुनूंगा और ना ही राजा की। हस्ती, मैं शीघ्र ही लौट कर आऊंगा मां। जो घाव अंबिराज ने आपके देह और आत्मा को पहुंचाए हैं, उसका प्रतिशोध लूंगा मैं। आप एक योद्धा हैं मां, और एक योद्धा के बाती आप हार नहीं मान सकते। काल से ये युद्ध आप ही जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द आप मुस्कुराकर मुझे पुकारेंगी, पुरु, और मैं आपके पास भागा चला आऊंगा। बस आप अपने जीवन के लिए ये संघर्ष मत हारना।
ये युद्ध आपको ही जीतना है, पौरव राष्ट्र के लिए, पिताश्री के लिए और अपने पुरु के लिए। आपको स्वयं अपनी आंखों से अखंड भारत का स्वप्न पूरा होते हुए देखना है मां। योद्धा हैं आप, योद्धा। अब आपके हिम्मत और शौर्य पर विश्वास रखते हुए मैं यहां से जाता हूं शीघ्र लौटने के लिए। चिंता मत करो पुरो, हम अनुसुईया को कुछ नहीं होने देंगे। राजगुरु, महामृत्युंजय यज्ञ की तैयारियां शुरू करें आप। और जब पिताश्री यज्ञ में व्यस्त होंगे मैं मां के साथ रहूंगी पुरु, तुम चिंता मत करो। शीघ्र ही लौट कर आऊंगा मां। सच है पुरु, परंतु हमें सावधान रहना होगा। अलेक्जेंडर किसी भी हद तक जा सकता है। आज अलेक्जेंडर चाहे कुछ भी कर ले पर एक बात तो निश्चित है, उसे और उसकी माता को ज्ञात हो जाएगा कि हम भारतीय कायर नहीं। तुमने सदैव हमसे
गुरु से और सभी से निस्वार्थ प्रेम किया अनुसुईया, और हमें भी सिखाया कि निस्वार्थ होकर देश की सेवा करो। किंतु आज हम स्वार्थी होना चाहते हैं अनुसुईया। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। मृत्यु से हो रहे इस युद्ध में तुम्हें जीतना ही होगा अनुसुईया, हमारे लिए, पुरु के लिए। तुम हमारी शक्ति हो अनुसुईया, और हम शक्तिहीन नहीं होना चाहते। हमें विश्वास था तुम लौटोगी अनुसुईया, अब हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं। पुरु शीघ्र ही लौटेगा मां। मेरी माँ कहाँ है पूरा? पहले अंबिराज। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अंबिराज। इतनी भी जल्दी क्या है पोरस? अभी सौदा पूरा नहीं हुआ।
यहां से तुम्हारी माँ एक कदम आगे बढ़ेंगी और उसी समय तुम्हारी ओर से अंबिराज आगे बढ़ेगा। मृत्युंजय यज्ञ तब तक नहीं रोकेंगे जब तक तुम पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाती। राजगुरु जी, यज्ञ की सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है, हमें इसी क्षण यज्ञ को आरंभ करना होगा। आशा करता हूं कि सब कुछ योजना के अनुसार ही होगा। फिक्र मत करो शायद तक्षला, मेरी मां मेरे हाथों में महफूज भी होगी और पूरस तुम्हें हाथ तक नहीं लगा पाएगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि तुम्हें क्या करना है। सचेत रहना पुरो, अलेक्जेंडर और अंबिराज जैसे दो धूर्त का साथ अच्छी युति नहीं है। कोई ना कोई खेल खेलेंगे। जानता हूं भाई, जिस खेल की शुरुआत इन्होंने की है उसका अंत हम करेंगे। दस्यु भी हमारे समर्थन में है, ये बात ये नहीं जानते। मेरा ख्याल सही था, तुम भारतीय कुछ और ही किस्म के बेवकूफ लोग हो। तुम लोगों में हुकूमत करने वाली ना समझ है और ना ही औकात। अब तक आपने केवल हमारी भावनाओं की कोमलता देखी है महारानी, उन भावनाओं की कठोरता और वीरता आज आप देखेंगे। मेरी मां के हत्यारे को मुझे सौंप दो और अपनी मां को यहां से ले जाओ। मेरी मां पर प्रहार किया ना तुमने? अब मेरी जाने का समय आ गया।